केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। आज यानी कि 28 जनवरी 2024 को दोपहर 2 बजे गांव चलो अभियान के तहत संचालन हेतु भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक भाजपा जिलाध्यक्ष श्री राम दरस यादव की अध्यक्षता में जिला भाजपा कार्यालय साहिबगंज में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सह राजमहल लोकसभा के प्रभारी राकेश प्रसाद, राजमहल के लोकप्रिय विधायक सह राजमहल लोकसभा के संयोजक अनंत ओझा उपस्थित हुए। बैठक में जिला भाजपा के पदाधिकारी, सभी मंडल के अध्यक्ष और गांव चलो अभियान के संयोजक सह संयोजक उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने आगामी राजमहल लोकसभा से भाजपा को विजय दिलाने के लिए मोदी सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं की जानकारी हर गांव हर घर तक पहुंचाने हेतु कार्यकर्ता को टिप्स दी। सभी नए पुराने कार्यकर्ताओं को एक ग्रुप होकर इस अभियान को सफल बनाने की अपील की। विधायक अनंत ओझा ने मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को टोली बनाकर गाँव में संपर्क अभियान चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने वाला समय हमारा है। हमें सभी विधानसभा में भाजपा को बढ़त मिलानी है, तभी हम भाजपा की कमल खिला सकते हैं। इसलिए चुनाव को चुनौती के रूप में स्वीकार करें। कार्यकर्ता बैठक में प्रदेश, जिला और मंडल के पदाधिकारी सम्मिलित हों। मंच का संचालन कर रहे गाँव चलो अभियान के संयोजक सह भाजपा जिला मंत्री गौतम यादव, इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री गणेश प्रसाद तिवारी, धर्मेंद्र कुमार, श्री बम बम मंडल, जिला महामंत्री कुसुम सुमाकर तिवारी, कार्तिक साहिबगंज नगर के पूर्व नगर उपाध्यक्ष आदरणीय रामानंद साह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुनील सिंह, चंद्रभान शर्मा, जिला मंत्री सह गांव चलो अभियान के सह संयोजक चांदनी देवी, खगेंद्र साह, जिला मंत्री कुमारी गरिमा, ये सभी कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुमका ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।